अयोध्या रेप केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अयोध्या मामले में सियासत जमकर चालू हो चुकी है, जिसमें अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पलटवार कर दिया है और आरोपी के बचाव में डीएनए टेस्ट की मांग की है और कहा है जिस भी मामले में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रतिबंध है उसमें डीएनए टेस्ट का प्रावधान रखा जाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2023 में बीजेपी कानून में संशोधन हुआ था, उन्हीं ने ये सब भी किया था कि स्थानीय पुलिस बीजेपी के दावे पे काम कर रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा, सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा। और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। कुछ पोस्टर्स की फोटो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि लड़के ही गलत होते हैं और मुईद ही गलत है। दरअसल मुलायम सिंह ने कभी ये बात कही थी, उस वक्त भी इस पर जबरदस्त राजनीति भी हुई थी और अब दोबारा इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि बीजेपी का सीधा टारगेट सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है और मुसलमानों को लेकर बीजेपी की सोच लोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। 12 साल की बच्ची के साथ रेप के इस मामले में सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। इसी के साथ कल कुशीनगर में बड़ा प्रभावित इलाकों के सर्वे पर बात, सभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को जंगल पार्टी बताकर हमला किया। आज से 7 वर्ष पहले यहाँ पर भैंसा छिपौनी तटबंध को लेकर के, नारणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त। अब इस मुद्दे पर अवधेश प्रसाद का भी बयान आया है, जहां वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने पहले केस में अपना पल्ला झाड़ दिया था। आइए सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद। अयोध्या का जो मामला है जी, बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्पित है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे, बात बता रहे, हाँ आए, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष रेणु राय कहती हैं, जो घटना घटी है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि इसकी गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं जो
कार्रवाई हो रही है। बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं एक महिला हूँ, महिला का दर्द समझती हूँ, मैं हर वक्त उस बिटिया के साथ खड़ी हूँ और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से अभी दो लोगों के ऊपर जो है मतलब ये हो रहा है कि इसमें कुछ गलत गलत तरीके के बयान आ रहे हैं, तो अगर डीएनए हो जाए तो जो भी क्लियर जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाए और जो दोषी है उसे सजा मिल जाए। बिल्कुल, लड़कियां पीड़ित हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक डेढ़ साल पहले एक 7 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में रेप हुआ था और जो दोषी था उसका आज तक मेरे ख्याल से पता नहीं चल पाया और उसे सजा नहीं मिली। तो मैं तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि जितनी भी बेटियों के साथ ये दुराचार होता है एक कठोर नियम कानून होना चाहिए और मेरे ख्याल से तो उसे तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कानून में और सारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, वर्तमान सांसद जी भी आएंगे, जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी संसद सत्र चल रहा है, कुछ कारणों से वो बिजी हैं और अयोध्या आ चुके तो निश्चित ही वो मिलने आएंगे पीड़ित बच्ची के साथ। हम हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी जो हमारा गठबंधन है वो सारे लोग बच्ची के साथ खड़े हैं और उसके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। जो है हम सब लोग हाल चाल ही लेने आए हैं और हम सब लोग बच्ची के साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो भी जहां भी जरूरत होगी, हम लोग भी महिला है और उस बच्ची के साथ हर वक्त हम लड़ते रहेंगे, उसके न्याय की मांग करते रहेंगे। वहीं बीजेपी के शहजाद का कहना है कि अनुसूचित जाति समुदाय की 12 वर्षीय लड़की के बलात्कार मोहित खान को सपा से निष्कासित कर देना चाहिए, उसके बजाय अयोध्या के नेता और अवधेश प्रसाद को करीबी मोहित खान को सपा बचा रही है, जबकि 3 सपा नेताओं ने नाबालिग के परिवार को केस बंद करने के लिए धमकाया और इसकी कोशिश भी की। अखिलेश, डिंपल, प्रियंका, ममता दीदी, महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का हाथ और साथ हमेशा बलात्कारी और महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ। मोहित खान जो कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी है, 60-65 वर्ष के एक व्यक्ति है, उसने 12 साल की एक SC समाज से आने वाली बच्ची का बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, उसका शोषण किया और समाजवादी पार्टी के नेता इसका बचाव कर रहे हैं। ना वो इसका इस्तीफा ले रहे हैं, ना उसे पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं, ना अखिलेश जी, डिंपल यादव जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसका खंडन किया है, बल्कि अब धमकी दी जा रही है परिवार को कि सुलह करवा दी जाए वरना उनके लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं है। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों को लगातार संरक्षण देती है, चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे वो आजम खान हो या चाहे वो मोहित खान हो। मोहित खान पर इंडी अलायंस भी अपने मुंह पर गोंद लगाकर बैठा है। संदेश खाली में शाहजहां पर चुप हो जाता है, स्वाति मालीवाल के अपराधी विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुप हो जाता है और मोहित खान पर भी सेकुलर सन्नाटा छा गया है। इसी में नरेंद्र कश्यप का भी बयान सामने आया है, आइए आपको सुनाते हैं उनका बयान। समाजवादी पार्टी के सांसद का नजदीकी है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेरर है, उसके बाद भी ना सांसद ने कुछ बोला ना सरकार ने कुछ बोला, मतलब साफ है कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं है बल्कि अपराधियों के साथ हैं। मेरे ख्याल से समाजवादी को शर्म करनी चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।